सोनोग्राफी की रिपोर्ट आनी है ना। रिपोर्ट से क्या होता है, बेटा हो या बेटी, बस स्वस्थ होना चाहिए। बेटा ही होगा। साहब, डॉक्टर साहब ने ये रिपोर्ट भेजी। ओह, रिपोर्ट आ गई। बताओ ना, बताओ ना, क्या है रिपोर्ट में? वही जिसका डर था, तुम्हारे पेट में बेटी है। गायनेकोलॉजिस्ट डॉक्टर सिन्हा बोल रही हैं। डॉक्टर, आपसे बात करना था, ये वाइफ प्रेग्नेंट है। कितने मंथ की प्रेग्नेंट है? 4 महीने। समझ नहीं आ रहा डॉक्टर, कैसे आप बताएं, क्योंकि आप माइंड मत करना, पता तो चल जाता है, हमारी वाइफ को भी पता चल गया था, लड़की है। अच्छा, अबॉर्शन करना था। कॉम्प्लिकेशन कोई नहीं है, लड़की है तो। लड़का चाहिए होगा आपको? नहीं, लड़का नहीं, लड़की ही चाहिए थी। तो फिर क्यों करा रहे हो अबॉर्शन? क्योंकि रेप हो जाएगा इसका। Let's go!
मां का सामना कर पाओगे। मेरा दिल ये बता रहा है वो खड़ी होगी घर के चौखट पे, उसे पता होगा उसका बेटा आ रहा है। घर की दहलीज में पहुंचते ही मुझे कंधे से उतार देना और मेरी मां के निकट जाकर पूछना उनके आंसू और सीने से लिपट जाना। कहना जाते जाते उसके बेटे ने कई दिनों में इंकलाब की भावनाओं का बीज बोया है। खुश हो जा मां, आज तेरा पिताजी भी बाहर आएंगे देखकर अपने बेटे को ऐसा, वो भी बिखर जाएंगे। तब जाकर कहना उनसे कि मैंने ये इसलिए किया ताकि हमेशा ऊंचा मेरे देश का मान रहे, जीवन लिया उनके बुढ़ापे का सहारा ताकि देश मेरा जवान रहे। मेरे छोटे भाई से कहना कि मां को संभाल ले वो, पर यह बात भी जहन में डाल ले वो कि एक मां यहां आंसू बहा रही है तो दूसरी मां उसे सरहद पे बुला रही है। उसे एक मां के दूध का कर्ज भी चुकाना है और दूसरे मां के लिए कर्ज भी चुकाना है। मेरी बीवी सहमी सी बैठी होगी, उसे कहना कि करवा चौथ हर साल रखे और तब तक रखे जब तक आसमान में चंदा है, तो क्या हुआ उसका पति जिंदा है, देश तो जिंदा है। हो सके तो मेरे पड़ोसी मेरे मोहल्ले वालों को भी बुला लेना, वो देख ले मुझे फिर मुझे जला देना। लेकिन मुझे जलता देख कोई आंसू मत पाना, क्योंकि जल कर इस देश की मिट्टी में मिल जाऊंगा शहीद हूं देश प्रेम का फूल बनकर दोबारा खिल जाऊंगा। बहुत सुंदर ये कार्यक्रम। Thank you.
अबला नहीं है, दुर्गा है। ये दिखा रही है ये लड़कियां, बहुत सुंदर दृश्य, बहुत सुंदर प्रस्तुति। और सभी, मुझे पता है आपसे चीजों को जब हम देखते हैं तो कोमा में चले जाते हैं।